नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 29 जुलाई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 43,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को कुल मिलाकर 1,749 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं 26 जुलाई को 731 मामलों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद दोनों दिन के आंकड़ों को मिलाकर बिहार में 2,480 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 56, अरवल में 29, औरंगाबाद में 75, बांका में 30, बेगूसराय में 56, भागलपुर में 55, भोजपुर में 86, बक्सर में 94, दरभंगा में 26, पूर्वी चंपारण में 12, गया में 145, गोपालगंज में 47, जमुई में 39, जहानाबाद में 22, कैमूर में 15, कटिहार में 54, खगड़िया में 51, किशनगंज में 63, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 55, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 199, नालंदा में 128, नवादा में 25, पटना में 414, पूर्णिया में 73, रोहतास में 107, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 53, सारण में 120, शेखपुरा में 11, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 7, सिवान में 48, सुपौल में 34, वैशाली में 87, पश्चिम चंपारण में 25। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार 29,220 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 269 लोगों की जान जा चुकी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पटना के गांधी मैदान में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। इस बार के स्वतंत्रता दिवस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते देखा जाएगा, क्योंकि बिहार में बेकाबू हो रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस साल दिव्य समारोह की जगह सादगी के साथ स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें लोगों को मास्क का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने पर बल रहेगा। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह का सफल एवं सुचारू आयोजन सुनिश्चित कराने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। साथ ही यह भी बताया है कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस में झांकियां नहीं निकाली जाएंगी। कोसी अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा जल्द। कोसी नदी के ऊपर बनकर तैयार हुआ कोसी अटल सेतु पर परिचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस सेतु के बन जाने से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। कोसी नदी के ऊपर रेलवे का यह पुल बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अधिकारियों के माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। कोसी के ऊपर बनाई गई महासेतु लोगों के लिए वरदान साबित होगी। इस पुल के बन जाने से महासेतु लोगों के लिए निर्मली से कोलकाता रायगढ़ तक जाने के लिए 298 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, मगर अब यह फासला घटकर मात्र 22 किलोमीटर हो जाएगा। प्रत्यय अमृत स्वास्थ्य विभाग के नए प्रधान सचिव का कमान संभालते ही आए एक्शन मोड में। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बीते दिन से अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में बताया है, साथ ही कोविड-19 की गंभीर स्थिति को ठीक करने के लिए कैसे वो कदम उठाएंगे इसका भी ब्यौरा दिया है। वहीं काम संभालने के पहले दिन ही वो एक्शन मोड में नजर आए हैं, जिसके तहत वो अपने पहले दिन NMCH का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने खराब व्यवस्था को देखकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से मिलकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी साझा किए हैं। बिहार के 10 जिलों में की गई IPS अफसरों की तैनाती। बिहार कैडर के 10 IPS अधिकारियों को 10 विभिन्न जिलों में आवंटित किया गया है, जिसके लिए गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सभी IPS अधिकारी 2018 और 2019 बैच के ट्रेनी पदाधिकारी हैं, जिनका 31 अगस्त से 30 जनवरी 2021 तक व्यावहारिक प्रशिक्षण किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न जिलों में तैनात किए अफसरों में अमृत रंजन को रोहतास, वैभव शर्मा को दरभंगा, हिमांशु को समस्तीपुर, रोशन कुमार को गया, अवधेश दीक्षित को बेगूसराय, भरत सोनी को भागलपुर, राजको मोतिहारी, चंद्र प्रकाश को नवादा, अभिनव धीमन को पूर्णिया और शुभम आर्य को पटना जिला आवंटित किया गया है। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। बिहार में पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेलखंड के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर बाढ़ के कारण 3 दिनों से बंद पड़ी ट्रेन सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मीडिया प्रभारी सरस्वती चंद्र ने दी है। और उन्होंने बताया है कि मंडल के सुगौली मझोलिया स्टेशन के बीच बने रेल पुल संख्या 248 पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण पिछले 25 जुलाई को इस रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद रेल पुल पर बाढ़ के पानी का दबाव कम हो जाने के बाद मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर मंगलवार से गाड़ियों का परिचालन शुरू करवा दिया गया है। 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मी अब सुरक्षा में नहीं होंगे तैनात। बिहार में कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते असर को देखते हुए नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत सुरक्षा में तैनात 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात नहीं करने का फैसला सुनाया गया है। उन्हें दूसरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पुलिस लाइन में कोविड-19 पूरी तरीके से फैल चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए 55 साल से अधिक उम्र के जवानों को सुरक्षा से हटाने का निर्णय लिया गया है।
भारी बारिश के कारण कोसी नदी एक बार फिर से आई लाल निशान के ऊपर। कोसी नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर एक बार फिर से लाल निशान के ऊपर बह रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल प्रभाग के पूर्वी बांध के नेपाली सात सप्रों के एवं इसी विभाग में पड़ने वाले पश्चिमी तटबंध डलवा सपर एवं रिंग बांध के किनारे पर कोसी नदी अपना आक्रामक रवैया दिखा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन सुबह 8 बजे कोसी नदी का जलस्तर 152,000 क्यूसेक बढ़ते देखा गया है। वहीं 10 बजे यह बढ़कर 177,750 क्यूसेक पर पहुंच गया था, जिसके बाद निचले इलाके में बाढ़ की संभावना बढ़ने की आशंका जताई गई है। क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर समस्तीपुर के मुकुंद प्रसाद सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है दर्ज। समस्तीपुर के रहने वाले मुकुंद प्रसाद सिंह 44 साल से भारतीय क्रिकेट का हर रिकॉर्ड रखते आ रहे हैं। 67 साल में भी नौजवान को मात देने वाली ऊर्जा देखने को मिलती है, आज भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुकुंद प्रसाद सिंह की क्रिकेट में रुचि इतनी ज्यादा है कि कई रिकॉर्ड तो इनके मुंह जुबानी याद है। मिली जानकारी के अनुसार इनके पास 1976 से अब तक के हर गेंद और बटोरे गए रन का रिकॉर्ड उनके निजी लाइब्रेरी में लिखित रूप में मौजूद है। 600 से अधिक टेस्ट, 2000 से अधिक वनडे मैच और अब तक कई सारे विश्व कप, T20 के साथ चैंपियंस लीग, IPL, रणजी देवघर ट्रॉफी तक के सारे आंकड़े इनके पास लिखित रूप में मौजूद है। मुकुंद का नाम इस वजह से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया गया था। वहीं मुकुंद अपने आंकड़ों को सहेज कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में बंद किया अपना कार्यालय। बाद बिहार के कार्यक्रम से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की घोषणा कर चुके प्रशांत किशोर ने बिहार में अपना कार्यालय बंद कर दिया है। प्रशांत किशोर का पटना के एग्जीबिशन रोड में लंबे समय से कार्यालय चल रहा था। उनकी टीम के कई सदस्य पूरे बिहार के लिए यही काम कर रहे थे, लेकिन टीम के सदस्यों को प्रशांत किशोर ने बंगाल और तमिलनाडु शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में कई लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के लगभग 1.5 महीने के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आधिकारिक तौर पर पटना के राजीव नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस बीच पटना से 4 सदस्यीय टीम मुंबई भी रवाना हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बयान के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के दर्ज होने के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब पटना पुलिस भी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। लॉकडाउन के बीच मालिकों का मददगार बना हाथी। नेशनल हाईवे पर गुजरने वाले ट्रक से पैसे वसूलते हुए आज तक पुलिस वालों को देखा गया था, मगर अब छपरा के नेशनल हाईवे पर गुजरने वाले ट्रकों से हाथी पैसे वसूली कर रहा है। हाथी को देखते ही ट्रक वाले ब्रेक लगा देते हैं और नजराना देने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो हाथी का मालिक लॉकडाउन से काफी परेशान चल रहा था और हाथी के रखरखाव में उसे दिक्कत आ रही थी। इसके बाद उसने सड़क पर हाथी को खड़ा कर दिया और आने जाने वाले ट्रकों से पैसे की वसूली शुरू कर दी। सड़क से गुजरने वाले वाहनों या आम लोगों के सामने अपनी सूंड फैलाकर मदद मांग रहा है। भारत सरकार ने बिहार को भेजे 750 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि भारत सरकार ने बिहार को 750 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए हैं। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट से राज्य में COVID-19 जांच में तेजी आ गई है। उन्होंने बताया कि सदर और अनुमंडल अस्पतालों में भर्ती COVID-19 मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा जा चुका है, जिसमें से 430 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्वास्थ्य विभाग को मिल चुके हैं। बाकी 320 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फिलहाल रास्ते में है, जो जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो जाएंगे। एक साथ बेडरूम में 50 सांप निकलने पर उड़े घर वालों के होश। बिहार के चंपारण में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही बारिश के कारण घरों में सांप बिच्छू जैसे जीव जंतु भी पनाह लेने लगे हैं। बेतिया में ही एक घर में एक के बाद एक 50 से अधिक सांप निकलने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बेतिया के नगर परिषद क्षेत्र के जिलिया मोहल्ले में जल जमाव के कारण एक दिन में एक दर्जन से अधिक सांप मिलने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में चिराग पासवान को दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिराग पासवान को सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है, जिसके तहत उद्धव ठाकरे ने चिराग पासवान को भरोसा दिलाया है कि मुंबई पुलिस इस दिशा में ठीक से काम कर रही है, किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जा रही है। इस पूरे मामले में CBI जांच की जरूरत हुई तो CBI जांच भी करवाई जाएगी। आपको बता दें, चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच करवाने की मांग की थी। 3 अगस्त से पटना के ज्ञान भवन में मॉनसून सत्र की होगी शुरुआत। 3 अगस्त से पटना के ज्ञान भवन में मॉनसून सत्र जारी किया जाएगा, जिसको लेकर ज्ञान भवन में तैयारियों का सिलसिला जारी है। सत्र के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी कुमार रवि ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इसके लिए आवागमन के रूट पर महत्वपूर्ण नियुक्ति करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वाहनों के आवागमन और पार्किंग की समुचित व्यवस्था के लिए ट्रैफिक प्लान बनाने का आदेश दे दिया गया है।
बिहार में 28 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्डधारी के होने की कही गई बात, जिसका खुलासा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ही किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि सरकार ने लगभग 28,42,000 ऐसे कार्डधारियों का आकलन किया है जिनका या तो डुप्लीकेट राशन कार्ड है या फिर राशन कार्ड धारक कहीं और जा चुके हैं, क्योंकि जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में राशन कार्डधारियों की कुल संख्या 1,68,31,000 थी, मगर केवल 1,39,28,000 कार्डधारियों ने ही खाद्यान्न का लाभ उठाया है। ऐसे में यही आशंका जताई जा रही है कि खाद्यान्न नहीं लेने वाले 28,42,000 कार्डधारी फर्जी थे या वो अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के 23,38,000 नए राशन कार्डधारियों का भी जिक्र किया है और यह बताया है कि इनमें से लगभग 96% लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। बिहार के एक गांव में बेटियों के नाम पर रखे जाते हैं पौधों के नाम। वैशाली जिले में बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत बेटियां स्कूल में पढ़ गए और इसके लिए स्कूल में छोटा सा प्रयास शुरू किया गया है। इस कदम का असर भी देखने को मिल रहा है, इससे स्कूल में लड़कियों के नामांकन की संख्या बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार वैशाली के राजकीय मध्य विद्यालय बेलकुंडा राजा पाकर ने बेटियों के नाम से स्कूल परिसर में पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ स्कूल में हर छात्रा के नाम से एक पौधा लगाया गया है। यह पौधे छात्राएं ही लगाती हैं, उनका नामांकन स्कूल में होता है। विद्यालय की तरफ से उठाए गए इस कदम से फिलहाल स्कूल में 100 से अधिक छात्राएं नामांकित है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने की मक्का पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग। अखबारों के इश्तिहार से अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल से मक्का पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की घोषणा के बावजूद राज्य की तीसरी सबसे प्रमुख फसल मक्का पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया गया है। केंद्रीय दर प्रति क्विंटल लागत 1213 रुपए और घोषित MSP 1760 है और बिहार में बाजार भरोसे किसानों को 1000 भी नहीं मिल रहा है। यकीन नहीं होता कि यहां चुनी हुई सरकार किसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। किसान सत्याग्रह पर बैठे, मांगे रखी, केंद्रीय एजेंसियों ने भी अनुरोध किया, लेकिन बिहार सरकार मानने का नाम नहीं ले रही है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया बदहाल। कोविड-19 के इस माहौल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में नजर आई है। वहीं इसी क्रम में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है और कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार 2005 के नवंबर में सत्ता में आई थी, शुरुआती 3 साल सरकार के लिए स्वर्णिम काल थे। अचानक पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 में अपने मंत्रिमंडल से स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन रॉय को बाहर कर दिया। उनके जाने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई है और आज ऐसी परिस्थिति है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई है। केसी त्यागी ने राजद द्वारा चुनाव को टालने की साजिश रचने की कही बात। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने राजद पर निशाना साधा है, जिसके तहत राजद के चुनाव टालने के रुख का कारण हार को बताया है। मिली जानकारी के अनुसार केसी त्यागी ने कहा है कि चुनाव कब होना है, कैसे होना है, यह सारा प्रबंधन चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है और मुख्यमंत्री की इच्छा से तय नहीं होता। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का खुद का आकलन है कि बिहार में चुनाव स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं होता, मगर फिर भी राजद की तरफ से बार बार चुनाव को टालने की मांग की जा रही है। इस तरह की मांग वही करते हैं जिनको हार का पता होता है। बिहार के जाने माने व्यवसायी ने थामा रालोसपा का हाथ। बिहार के जाने माने व्यवसायी धीरज सिंह ने बीते दिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल होने का फैसला सुनाया है। यहां पर पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस मौके पर धीरज सिंह ने कहा है कि मैं पेशे से व्यवसायी रहा हूं। आज 28 जुलाई से अपनी राजनीति पारी की शुरुआत कर रहा हूं। बचपन से ही मेरा रुझान सामाजिक कार्य में रह रहा था, लेकिन आज समाज और अपने बिहार को विवश और लाचार देख रहा हूं। इतना ही नहीं, बिना राजनीति के यह संभव नहीं हो पाता कि मैं सामाजिक रूप से लोगों की मदद कर पाऊं, इसलिए मैंने रालोसपा का हाथ थामा है। कुमकुम बनकर पहचान बनाने वाली मंजूर हसन खान की बेटी जैबून निशा ने दुनिया को कहा अलविदा। फिल्म दुनिया में बड़ी हस्ती कुमकुम कभी शेखपुरा जिले की लाडली जैबून निशा बेगम के नाम से पहचानी जाती थी। जैबून निशा बेगम ने पहले फिल्म में अपनी बड़ी बहन साबरा बेगम की मदद से कदम रखा था। कुमकुम की बड़ी बहन फिल्म दुनिया में राधिका के नाम से मशहूर थी। वहीं बीते दिन सोशल मीडिया के माध्यम से शेखपुरा में रह रहे परिजनों को कुमकुम के दुनिया से अलविदा कहने की सूचना मिली है। हुसैनाबाद के नवाब मंजूर हसन खान के पुत्री कुमकुम के जाने पर यहां शोक का माहौल है। कुमकुम के भतीजे ने बताया है कि हमारी फुआ थी, उनका शेखपुरा से काफी ज्यादा जुड़ाव था। 60 के दशक की मशहूर अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो 86 साल की थी।
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने पद पर हैं बरकरार। आईसीसी की तरफ से जारी किए गए ताजा रैंकिंग में विराट कोहली सीमित ओवर के प्रारूप में और उपकप्तान रोहित शर्मा आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक दिवसीय बल्लेबाज की रैंकिंग में पहले दो स्थान पर काबिज है, जबकि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाज की सूची में जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पर है। बीते दिन जारी किए गए रैंकिंग में कोहली को 871 रेटिंग के साथ शीर्ष पर विराजमान किया गया है, जबकि रोहित शर्मा के नाम पर 855 रेटिंग है। गेंदबाज की सूची से भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह 719 रेटिंग के साथ तीसरे पायदान पर है। मोबाइल के एक क्लिक से पता चल जाएगा सामान असली है या नकली। अब मोबाइल के एक क्लिक से ग्राहकों को सामान के असली या नकली होने का पता चल जाएगा। मोदी सरकार ने एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसे पता चल जाएगा कि सामान असली है या नहीं। मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम BIS केयर रखा गया है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता ISI और हॉलमार्क गुणवत्ता प्रमाणित उत्पादों की प्राथमिकता की जाँच कर सकते हैं। इस ऐप को किसी भी एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर ऑपरेट किया जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है हरे कृष्ण यादव, दीपक कुमार, संजीव कुमार, अभिषेक यादव, प्रिंस कुमार, रविंद्र भगत, राकेश कुमार, प्रवीण कुमार, विशाल भान सिंह, अशोक कुमार, नितेश यादव, चंदन कुमार, कंचन कुमारी, पप्पू कुमार, किशोर झा, मनोज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच के लिए किए जा रहे आग्रह को देखते हुए क्या केंद्र सरकार को CBI जांच का आदेश जारी करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।